हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में 7 लोग नॉमिनेटेड हैं और 7 लोग में सबसे कम वोट जिसको आ रहा है वो है बग्गा जी और नई वाइल्ड कार्ड का नाम क्या है मैं कशिश। तो इन दोनों में कभी बग्गा जी ऊपर जा रहे हैं कभी कशिश ऊपर जा रही है, इन दोनों में ही मतलब बॉटम टू में ये दोनों हैं। तो क्या वोटिंग के थ्रू निकालेंगे बिग बॉस वाले या फिर लोचा करेंगे इस बार? मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि देखा जाए तो जो बग्गा जी हैं वो अभी की फिलहाल जो है उसमें वो नंबर 6 पे आ गए हैं, जो कशिश है वो नंबर 7 पे है। तो मुझे लगता है कि बग्गा जी वैसे भी कुछ कर नहीं रहे, 2-4 दिन तक चाय उनको मिला नहीं तो वो थोड़े बहुत बोल रहे थे, शायरी वगैरह मार रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि कल से जब से उनको चाय मिल गई है तब से आराम से 2-4 कप चाय पिए हैं, उसके फिर से अपने चाय के नशे में घूम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार निकालेंगे इन्हीं को, बग्गा जी को, क्योंकि बग्गा जी का कोई कंटेंट है नहीं। हालांकि देखा जाए तो एपिसोड में ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट जो कशिश है उसका भी नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका कंटेंट है वो मतलब लाइव फीड में दिखती है, अच्छी वाली बातें करते हुए, लड़के ताड़ते हुए, जो भी कह लो उसका थोड़ा बहुत दिखती है, लेकिन जो एपिसोड आता है उसमें बहुत ही कम दिखाया जाता है। लाइक कल का एपिसोड जो टाइम गॉड वाला था उसमें बहुत सारा उसने एफर्ट डाले थे रजत के लिए, बहुत सारे चीखना चिल्लाना लड़ाई झगड़ा करना, बट जिस तरह से उसने जितना एफर्ट डाले थे ना उतना बिग बॉस वाले ने दिखाया नहीं, एडिट करके दिखाया। तो हमें इससे लग रहा है कि क्या पता कहीं कशिश को निकालने के चक्कर में ना हो, क्योंकि उनको लग गया होगा कि वाइल्ड कार्ड आने से ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, टीआरपी तो वैसे ही नहीं आ रही है, टीआरपी कुछ भी कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड भी लेके आ गए घर में, हाथापाई भी अलाउ कर दिया फिर भी टीआरपी नहीं आ रही, तो अब क्या करें, रखने का क्या फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि इस वीक टाइम गॉड है रजत, और रजत के कंधे पर रख के बंदूक चला देंगे जो बॉटम में है, अगर बग्गा जी 6 पे है 7 पे कशिश है तो दे देंगे इनको निकालने के लिए, जो रजत को है टाइम गॉड है उनको दे देंगे कि दोनों बॉटम में से किसी एक को बाहर कर दो, सीधा सीधा घर से बेघर करो। तो जो रजत है वो तो ऑफकोर्स बग्गा जी को ही करेंगे क्योंकि कशिश उनकी दोस्त है, कल उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था उनको, तो बग्गा जी को 2-3 दिन से वो कह भी रहे हैं कि बग्गा जी कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर लाइव फीड में हमने ये भी देखा कि मजाक भी उड़ा रहे थे कि सोचो कि सलमान खान एक हाथ में बग्गा जी का हाथ लेके बार बार ऐसे उठा रहे हैं स्टेज पे रख रहे हैं, फिर लास्ट में बोले बग्गा इज अ विनर, तो सोचो कैसा सीन होगा, हम तो सर पटक पटक के मर जाएंगे। ऐसा कुछ बात करते हुए रजत दलाल हंस रहे थे और बाकी उनके साथ जो भी दोस्त लोग वो थे वो भी हंस रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो रजत दलाल हैं वो अभी ज्यादा खुश है नहीं बग्गा जी से, क्योंकि बग्गा जी दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तो अगर इस ऐसे में उनके पास कोई पावर आती है एलिमिनेट करने का तो मुझे लगता है वो उन्हीं को करेंगे, बग्गा जी को ही करेंगे, और इससे होगा ये कि जो मेकर्स हैं उन पे भी उंगली नहीं उठेगी और उनका काम भी हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों का कशिश और ये जो बग्गा जी हैं ये यही दोनों बॉटम में हैं, अब कौन आगे है कौन पीछे है 1-2 वोट से पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि बिग बॉस वाले, जहां तक मुझे थॉट आ रहा है कि इस बार ऐसे ही एलिमिनेशन होने वाला है, घर के लोग ही मिलके करेंगे, या फिर जो घर के लोग भी अगर करेंगे तो ज्यादातर लोग बग्गा जी को तो नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरे ग्रुप में शामिल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मेकर्स जो है वो टाइम गॉड के हाथ में ही देगा एलिमिनेशन, और कहने के लिए हो भी जाएगा कि देखो विवियन को तो हमने सिर्फ नॉमिनेट करने का पावर दिया था, जो इनको है रजत को है हमने सीधा एलिमिनेट करने का पावर दे दिया, तो ये हो भी जाएगा कि लाडले को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, दूसरे वालों को सपोर्ट हो, अपना उल्लू सीधे करने का मौका भी मिल जाएगा बिग बॉस वालों को और उनका काम भी हो जाएगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही करने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पे अपने राय कमेंट में बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।